सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डाबर लवण भास्कर चूर्ण के बारे में। आपको सामने की तरफ लिख रखा है कि भैया भूख जगाए, हाजमा बढ़ाए, चटपटाहट स्वाद के संग देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके कई प्रकार के और भी फायदे होते हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम इंग्रीडियंट्स में नंबर डालते हैं। अब जैसे कि इसमें नाम ही लिखा है कि लवण, लवण मतलब होता है नमक, तो कई प्रकार का नमक जो होता है इसमें मिक्स किया गया है, जैसे कि समुद्र लवण, सारवच लवण, विडंग लवण, सैंधव लवण एंड काली मिर्च, पिपली का भी यूज़ किया गया है, साथ ही साथ नागकेसर, तालिश, अमलतास, मरीच, शुंठी, त्वक, दाढ़ीमा जैसे इसमें इंग्रीडियंट्सों का यूज़ किया गया है। ये एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जिसमें 4 से 5 तरीके के नमकों का कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ इसमें अनेकों प्रकार के इंग्रीडियंट्स हैं जो आपके डाइजेशन पे काम करते हैं या कहीं तो आपके स्टमक इन्फेक्शन को दूर करने में उपयोग किए जाते हैं। अब मुख्यतः इसके यूज़ के बारे में हम नज़र डालें तो ये अग्नि मानदेय होता है, यानी आपकी भूख को बढ़ाने में मदद करता है, डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करता है। मंदाग्नि जिनको भूख वगैरह नहीं लगती, अरुचि हो जाती है, खाने खाने का मन नहीं होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट टैबलेट हो सकती है। अजीर्ण हो जाती है, खाना खाने के बाद खट्टे डकार आना, उल्टी का मन होना, मितली आ जाती है, खाने का मन बिल्कुल नहीं होता, तो उनके काम बढ़िया करता है। साथ ही साथ ये डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखने में मदद करता है, जैसे कि जो लोग बार बार खाते ही तुरंत फ्रेश होने जाते हैं, डाइजेशन नहीं होता है, इनडाइजेशन रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, यहाँ तक कि पाइल्स के पेशेंटों में भी ये फ़ायदेमंद होता है। अधिकतर पाइल्स के पेशेंटों में दर्द वगैरह या होने के कारण क्या होते हैं कि उनको पेट वगैरह साफ नहीं होता, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, पाइल्स बनना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली कहें तो ये पाइल्स के उपचार के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ ये स्किन रोग में भी यूज़ करता है, जैसे कि इसमें दावण है, पिपली वगैरह है, जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। पेट में सूजन आ रही है, एसिडिटी है, कुछ भी प्रॉब्लम है पेट रिलेटेड, आप लवण भास्कर चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। उपयोग करने का तरीका क्या है, 1 से 3 ग्राम आधा या 1 चम्मच के बराबर माने हम, आप इसका यूज़ कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ या छाछ के साथ। सुबह शाम के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, खाने के बाद या खाने से पहले भी लिया जा सकता है। तो गाइज, ये था कोई लवण भास्कर चूर्ण के बारे में डिटेल्स में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।